Migratory birds of different varieties have flown to Kanpur city of Uttar Pradesh and have taken shelter in Kanpur Zoo Bird Sanctuary with the onset of winter. These migratory birds flock to the warmer climates to ward off the extreme cold of the Arctic home grounds. These birds from Siberia and Central Asia use wetlands as their transitory camps, which play a vital role in sustaining a large population of the breeding birds. Hundreds of birds have made their temporary nests in the bird sanctuary. Deputy Director of the Kanpur Zoo Bird Sanctuary, Keval Prasad, said that they have been maintaining security as many hunters also come during this season in search of migratory birds. प्रवासी पक्षी आए हुए हैं जिनमें पेंटेड स्टार्क हैं, लिटिल कार्मोरेंट हैं, लेसर हिस्टलिन डक हैं, रेड साइंक हैं, ईग्रेट्स हैं, पौंड हिरान हैं, ग्रे हिरान हैं, लिटिल कार्म तो कई तरह के पक्षी आए हुए हैं इसमें। और ये पक्षी अपना बसेरा बनाए हुए हैं। पेंटेड स्टार्क लगभग 2 महीने से यहाँ पे हैं, उनकी नेस्टिंग हो रही है, उनके बच्चे आ रहे हैं। हम लोग पूरी इन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि झील में बराबर पानी बना रहे जिससे कि इन पक्षियों को भोजन की उपलब्धता होती रहे। The birds attract a lot of tourists to the sanctuaries as well. Though the tourists are not allowed to go near the migratory birds for security reasons, but they are allowed to see them from a distance. जैसे मैंने आज तक कभी टीवियों में देखा है और क्या कहते हैं डिस्कवरी में देखा था, उसी प्रकार के इतने अच्छे अच्छे पक्षी आए हुए थे जो मैंने अपनी आंखों से रियल में हिसाब से देखा था कि देखने में अलग ही उनका रुताब था। लाल कलर की गर्दन, सारस लंबे वाले, छोटे छोटे और बड़े चोंच के पक्षी जिनको मैंने टीवी में देखा था, आज रियल में देखा, मेरा पैसा वसूल हुआ, अच्छा लगा देख के। द माइग्रेटरी बर्ड्स बिगिन द एनुअल फ्लाइट फ्रॉम साइबेरिया, ट्रैवल थ्रू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया एंड अराइव इन इंडिया फॉर द एंटायर सीजन। करेस्पॉन्डेंट दिलीप मिश्रा फ्रॉम कानपुर फॉर ANI।